चलते सीधे रायपुर, जहां पर आज चित्रकूट में हुए चुनाव के बाद मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्या बना नहीं क्या फोटो का? बन गया सर, ले आया चंद्रेश। शुरू करें। आज के इस प्रेस ब्रीफिंग में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आपको मालूम है, 87 चित्रकूट विधानसभा क्षेत्र में आज बाई इलेक्शन उपचुनाव में आज पोलिंग हुआ, मतदान हुआ, और ये मतदान आज 21 अक्टूबर को सफलतापूर्वक, शांतिपूर्वक, निष्पक्षतापूर्वक ढंग से संपन्न हुआ। चित्रकूट विधानसभा क्षेत्र में कुल 229 मतदान केंद्र हैं। इनमें से 22 मतदान केंद्र में वेबकास्टिंग कराया गया, वेबकास्टिंग के जरिए मॉनिटरिंग हुई। कुल 5 मतदान केंद्रों को संवेदनशील होने के कारण स्थानांतरित किया गया था। चित्रकूट विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या कुल 1,67,911 है, जिसमें महिला मतदाता 88,626 और पुरुष मतदाता 79,284 और थर्ड जेंडर का 1 मतदाता है। आज हुए मतदान की अभी तक की जानकारी के अनुसार मतदान का प्रतिशत लगभग 77% हुआ है। ये अभी अनंतिम है, अभी भी कुछ टीम्स वापस नहीं पहुंचे हैं जो कैंप्स में ठहरे हुए हैं सिक्योरिटी कारणों से। वो जब आ जाएंगे तो इसका फिगर कल हम कंफर्म करा देंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा तब्दील नहीं होगा, कुछ पॉइंट परसेंटेज में ही अंतर होगा। 77 लगभग 77% के आसपास ये फिगर आएगा। अभी बहुत ज़्यादा टीम्स लौटे नहीं है, नहीं लगभग आधे लौट चुके हैं, आधे जिला मुख्यालय आ चुके हैं, जमा नहीं हुआ है, लेकिन लगभग 25 से 27 टीम्स हैं जो अभी आउट ऑफ कॉन्टैक्ट हैं, वो कैंप्स में रहेंगे सिक्योरिटी कारणों से, और कल सुबह वो लौटेंगे। तो एग्जैक्ट फिगर, ये फिगर जो है उनसे मौखिक तौर पर प्राप्त की गई, तो हो सकता है थोड़ा सा चेंज होगा। तो एग्जैक्ट फिगर्स कल रिपोर्ट होंगे 12-1 बजे के आसपास। जैसे कि मैंने बताया, कुल मतदाता 1,67,911 हैं। 2013 में जो चित्रकूट में पोलिंग हुआ था वो 78.9% था, और 2018 में ये 80.32% था, इस बार वो 77 के आसपास में है। चित्रकूट विधानसभा क्षेत्र में उपनिर्वाचन के अंतर्गत आज हुए मतदान में चुनौतियां कोई बाधा नहीं रही। लोहंडीगुड़ा विकासखंड के कांटाबांस गांव में गांव के मतदाताओं ने इंद्रावती नदी उफान पर थी तो भी लोकतंत्र पर भरोसा करते हुए नाव से नदी पार कर मतदान केंद्र में पहुंचकर मतदान किया। इसका फोटो और वीडियो आप लोगों को ऑलरेडी होगा आपके पास, अगर नहीं है तो प्राप्त कर लें। आलोक, आप वो आलोक वो फोटोज और वीडियो नदी क्रॉस करते हुए शेयर करा देना। नदी नाले पहाड़ से आगे लोकतंत्र निकल आया है, इस व्यवस्था पर भरोसा करते हुए पैदल 40 किलोमीटर दूर से मतदाता पहाड़, नदी नाले और घाटी की को पार करते हुए अपने निर्धारित मतदान केंद्र में पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं और बुजुर्ग मतदाताएं भी शामिल थे। इस क्षेत्र में 5 संवेदनशील मतदान केंद्रों को अन्यत्र शिफ्ट किया गया था। अधिकांश मतदान केंद्रों में महिलाओं की टर्नआउट पुरुषों से ज्यादा रही है। नक्सल संवेदनशील क्षेत्रों में ग्रामीणों की मतदान की शानदार तस्वीरें बताती हैं कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए मतदान करने हैं तो उनके जज्बे में अंदर से अब नक्सलियों का कोई खौफ नहीं रहा है। विधानसभा क्षेत्र में उप निर्वाचन के दौरान हुए मतदान हेतु सुरक्षा के लिए अर्धसैनिक बलों की 31 कंपनियों को तैनात किया गया था। इसके अतिरिक्त राज्य पुलिस सुरक्षा बलों को भी तैनात किए गए थे। मतदान केंद्र के आसपास पूर्व से ही गश्ती बढ़ाने के साथ साथ जवानों की तैनाती सुनिश्चित की गई थी। रोड ओपनिंग प्रोसीजर जिसको आरओपी कहते हैं, वो उनका उपयोग किया गया था। एरिया डोमिनेशन एक्सरसाइजेस कंटिन्यूअस चले हैं। सुरक्षा के बेहतर इंतजाम सुनिश्चित करने की दिशा में पुलिस द्वारा ड्रोन कैमरा का भी उपयोग अंदरूनी इलाकों में मूवमेंट्स पर और अन्य गतिविधियों पर चौकस
निगाह रखने के लिए उपयोग किया गया था। चित्रकूट विधानसभा उपनिर्वाचन के अंतर्गत आज हुए मतदान में सुबह 8 बजे से ही अपने अपने घरों से निकलकर अपने निर्धारित मतदान केंद्र में पहुंचकर उत्साहवर्धक मतदान किया गया। आज हुए मतदान में युवा और बुजुर्ग मतदाताओं ने उत्साहपूर्वक अपना मताधिकार का प्रयोग किया। लोकतंत्र की मजबूती के लिए पुरुष और महिला मतदाताओं ने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इसकी झलक गोंडीगुड़ा विकासखंड की 80 वर्षीय महिला मतदाता श्रीमती रामबती ने मतदान केंद्र बिंता में पहुंचकर अपना मतदान किया। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में चित्रकूट उप निर्वाचन के अंतर्गत मतदान की गहन मॉनिटरिंग करने की बेहतर व्यवस्था बनाई गई थी। पिछले विधानसभा लोकसभा के आम निर्वाचन की तरह चित्रकूट उप निर्वाचन के लिए भी मतदान के लिए 22 मतदान केंद्रों में वेबकास्टिंग के माध्यम से निगरानी रखी गई। जिन जिन मतदान केंद्रों में ईवीएम और वीवीपैट की तकनीकी खराबी की सूचना मिली उन स्थानों पर तत्काल सुबह ही ऐसे ईवीएम और वीवीपैट को रिप्लेस कर दिया गया, जिनमें 1 बैलेट यूनिट, 2 कंट्रोल यूनिट और 5 वीवीपैट को रिप्लेस किया गया। इससे मतदान सुचारूपूर्वक एवं सफलतापूर्वक तथा शांतिपूर्वक बिना किसी आगे की रुकावट के चलता रहा। उपनिर्वाचन में मतदान केंद्र क्रमांक 14 मटनार के पीठासीन अधिकारी की शिकायत मिलने पर त्वरित कार्रवाई की गई, उसके स्थान पर रिजर्व पीठासीन